आपको फोन कर दूंगा, उनसे मेरी फोन पे भी बात हुई है जब वो आए थे, आप चिंता ना करें। अगर मैंने उनसे पूछा था भाई आप किस काम से आए हैं, कोई ऐसा काम है तो वो नवी ब्रदर है घर में, वो आपको सहयोग करेगा, और अगर मेरी जरूरत है तो मैं भी आ जाऊंगा। तो हमारा सहयोग और हमारी, मैं खुद पर्सनली मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और अभी भी मैं यहाँ हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, अपने ऑफिस में बैठा हूँ D7 वसंत कुंज में। अभी भी अगर पुलिस आती है, हमें अपना वारंट दिखाएगी, हम उसको देख लेंगे। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, अगर कोर्ट ने मेरे खिलाफ वारंट इशू किया है तो मैं किसी भी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार। नरेश जी, जो जो सवाल पूछे गए थे दो बार था कि अलग अलग सवालों में आपने अलग अलग क्वेश्चन दिए, शायद उसकी वजह से वारंट निकाला। ये पुलिस का कहना है सर, देखिए हमने सारे सवाल एकदम सच सच दिए, जो बिल्कुल जो हमें मतलब एक दो सच्चाई थी। क्या क्या पूछा गया था आपसे? देखिए अभी मामला जो है सब जुडिस है, आप समझिए कोर्ट का मामला है, सारे जवाब वगैरह जो भी दिए जा रहे हैं वहाँ दिए जा रहे हैं, तो इसलिए वो जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने जो क्वेश्चंस मुझसे किए थे मैंने वो सारे जवाब उनको दिए जो उनसे रिलेटेड थे। इवन जो अनरिलेटेड क्वेश्चंस थे ना वो भी दिए। उनका दूसरी बार में जो रवैया था पुलिस का वो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह से उन्होंने मुझे हराश किया, किस तरह से उन्होंने मेरे साथ व्यवहार किया, तो वो सारी की सारी चीज में जो भी है वो आप लोगों के सामने मैं बताता हूँ। पुलिस पहली बात ये कि ये मीडिया में खबरें आई कि पुलिस अब